आज दिनांक 17 मई को भाकपा माले के जन संगठन अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा खे ग्रामस के द्वारा घोषित देशव्यापी कार्यक्रम के तहत कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए खे ग्रामस के कार्यकर्ताओं ने डढ़वा पंचायत के कोरिया गांव में खे ग्रामस के राष्ट्रीय पार्षद कामरेड मोहम्मद सलीम अंसारी के नेतृत्व में एवं बामदाह पंचायत के लोहसिंगना गाँव में खे ग्रामस के चकाई प्रखंड के संयोजक वासुदेव हांसदा एवं राजकिशोर किस्कू के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। खे ग्रामस के राज्य पार्षद मोहम्मद सलीम अंसारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जब पूरे देश में कोरोना महामारी विकराल रूप धारण कर लिया है, तब पूरे देश से खबरें आ रही हैं कि कहीं भी इस महामारी से निपटने के लिए सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है। ऑक्सीजन एवं वेंटिलेटर दवाई के अभाव में लोगों की मौतें हो रही है, वही मजदूरों का पलायन जारी है। रोजगार के अभाव में गरीबों के साथ भुखमरी की समस्या आ खड़ी हुई है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि कोरोना का टीका गांव-गांव में बिना रजिस्ट्रेशन लोगों को लगाया जाए। सभी गरीबों को 50 किलो चावल, 50 किलो गेहूं एवं 10,000 रुपए लॉकडाउन भत्ता दिया जाए, तभी कोरोना लॉकडाउन का गरीब लोग पूर्णतः पालन कर सकते हैं एवं इस महामारी से लड़ा जा सकता है। वहीं खे ग्रामस के चकाई प्रखंड के संयोजक वासुदेव हांसदा ने कहा कि गांव-गांव में मजदूरों के लिए मनरेगा के तहत काम की गारंटी की जाए, सभी गरीबों को साबुन, मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था किया जाए। कार्यक्रम में सरफराज अंसारी, मकबूल अंसारी, द्वारिका साह, लट्टू पंडित, वकील पंडित पवन साह, सुनील किस्कू समेत सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। जो कार्यक्रम में अखिल भारतीय का मांग जो रखा गया है, कोरोना काल में जितना कोरोना से मृत्यु जो हुआ है, इसका दोषी भारत सरकार एवं राज्य सरकार है। उनकी खर्च को जो है भारत सरकार एवं राज्य सरकार उठावे और अनाथ बच्चों को पढ़ाई से खर्च तक उनको जो है वहन करें। आज का जो भारत का जो स्थिति जो भयावह जो बना हुआ है, यह स्थिति में कोई एक सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के आवास पर 39 एम्बुलेंस मिला और 39 एम्बुलेंस को पर्दाफाश करने वाले पूर्व सांसद पप्पू यादव ने पर्दाफाश किया। सच्चाई बात को उठाने वाले को जेल दिया जा रहा है और जो चोर है उसको जो बेल, उन पर कोई सजा नहीं। ऐसा निकम्मी सरकार को, ऐसा निर्लज सरकार को शर्म आनी चाहिए और प्रताप रूढ़ी पर 302 की मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनका जो है सांसद से बर्खास्त भी होना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। ये हमारी खे ग्रामस की ओर से मांग है। दूसरा बात है तो टीका का, वैक्सीन का जो कालाबाजारी हो रहा है, यह कालाबाजारी बंद होना चाहिए और हर गांव-गांव तक चलकर इसको जांच करना चाहिए, इसके लिए इलाज की व्यवस्था करना चाहिए। आज तक इलाज नहीं हो पा रहा है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। उसने कहा था 2021 तक, 2024 तक 21% ही मानव रहेगा। लग रहा सब गरीबों को मार दिया जाएगा। यह जो सच्चाई में कहा जाए तो ये मानव का जो आज शोषण जो हो रहा है, यह हमारी देश की सरकार जो अभी वर्तमान में जो है भारत सरकार, ऐसा अंग्रेज भी नहीं किया था, हिटलर भी नहीं किया था। हिटलर से अब लगता है कि पीछे छोड़ दिया और आगे निकल गया। यह हिटलर शाही में कितना लोगों की जान लिया था मरवा कर, लेकिन ये जो है जान साजिश के तहत सबको मरवाया जा रहा है। ना गरीबों पर इनका ध्यान है, इसका सिर्फ कुर्सी पर ध्यान है। इसलिए मैं भारत सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हर गाँव तक, हर हॉस्पिटल तक व्यवस्था होनी चाहिए, एम्बुलेंस की होना चाहिए, ऑक्सीजन की होना चाहिए और ऑक्सीजन जो ब्लैक से जो बेचा जाता है उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और राजीव प्रताप रूढ़ी को 302 की मुकदमा कर उसको जेल की सलाखों में बंद किया जाना चाहिए, उसे संसद सदस्यता खत्म होना चाहिए। यही हमारा मांग है। लाल सलाम, जय हिंद।